नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पे। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग सब मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। कल का देखते हैं दोस्तों, कल का क्या की लेवल हो सकता है और क्या हम ट्रेड कर सकते हैं, हमारा ट्रेड का प्लान क्या होगा। आज मैं शुरू कर रहा हूँ अपना डेली कैंडल से। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले सबसे पहले डेली कैंडल के ऊपर एक ट्रेंड लाइन बनाते हैं हम लोग कि यहाँ पर डेली कैंडल क्या कही है। डेली कैंडल के ऊपर भी बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग एक पॉइंट बना हुआ है। तो एक सेकेंड थोड़ा सा इसको करके, हाँ ये देखिए, अब हमें यहाँ पर क्या दिख रहा है कि मार्केट जो है सो अपने रेजिस्टेंस लेकर के नीचे की तरफ आ रहा है। अगर मार्केट कल फ्लैट खुलता है तो फ्लैट खुल के इसको, ये जो ट्रेंड लाइन है इसको अभी तक रिस्पेक्ट कर रहा है। यहाँ एक बार यहाँ किया, दूसरी बार यहाँ किया, 90% चांस है कि ये रिस्पेक्ट करके इसके ऊपर ये हो सकता है फिर दोबारा से बाउंस बैक करे। तो अगर यहाँ पर एक, यहाँ पर इसको सपोर्ट लेकर के अगर ये 5 मिनट की एक ग्रीन कैंडल बनाएगा तो मैं छोटे से एसएल के साथ बाय करूंगा और लेवल रहेगा ये वाला। और अगर हम आरएसआई को देखो तो बिल्कुल 50 के ऊपर है। यहाँ पर सिर्फ दिखाने का मतलब ये कि फिर दोबारा से ये बिल्कुल एक रेंज में फंसा हुआ है। पैटर्न तो बेरिश बना हुआ है मगर यहाँ कुछ भी हो सकता है क्योंकि मार्केट अभी बिल्कुल अनसर्टेन है। कुछ नहीं कह सकते मार्केट किस तरफ चली जाती है, किस तरफ टर्न हो जाती है। अच्छा यहाँ बता दूं, मैं जो ब्लू कैंडल है वो बेरिश कैंडल है, मीन्स रेड कैंडल है। जो ब्लैक कैंडल है वो एक तरह से ग्रीन कैंडल है। मैंने कलर चेंज कर दिया, थोड़ा सा अच्छा लग रहा है ये। अब हम आ जाते हैं एक बार अपने 1 घंटे के चार्ट में जो कि हमारा जो है सो फेवरेट टाइम फ्रेम है। और यहाँ पर मैं आपको दो इंटरेस्टिंग चीजें बताऊंगा, बहुत मजेदार चीज है। सबसे पहले हम चेक करते हैं फीबो रिट्रेसमेंट का। फीबो को अगर हम यहाँ से लगाते हैं और यहाँ तक लगाते हैं तो हमें क्या दिखता है, हमें ये दिखता है कि ये हम सबको पता है कि कुछ इसके की लेवल होते हैं और की लेवल कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला होता है ये, उसके बाद होता है 0.5 का। इसने टेक्निकली 0.38 को इसने ब्रेकडाउन दे दिया, उसके नीचे क्लोजिंग दे दिया। अगर कल फ्लैट खुल करके एक 5 मिनट की कैंडल अगर बनाता है नेगेटिव, तो मैं सेल साइड में जाऊंगा और मेरा जो टारगेट होगा 35,270 के आसपास का पहला टारगेट होगा, जो कि 0.5 का एक लेवल है फीबो का। और जो कि हम अगर यहाँ पर देखें तो एक गैप फिलिंग का भी जो है तो ये एक लेवल है, जो लास्ट टाइम एक गैप बना हुआ था अभी भी बचा हुआ है फिल होने के लिए। अगर इसने बिल्कुल ही गैप डाउन दे दिया, बड़ा गैप डाउन दे दिया, तो मैं यहाँ वेट करूंगा फिर बुलिश ट्रेड ढूंढने के लिए यहाँ पर, या फिर अपना ये इस लेवल पर, इस लेवल पर। अगर 0.5 को भी तोड़ दिया मैं तब भी यहाँ पर वेट करूंगा कि 0.6 के पास आए और यहाँ से एक बुलिश कैंडल बनाए, तो मैं उसके बाद एक बाइंग पोजीशन को इनिशिएट करूंगा। अब दूसरी तरफ हम आ जाते हैं, दूसरी तरफ आ जाते हैं अपने ट्रेंड लाइन के ऊपर। तो ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर हम आते हैं, वहां पर भी हमें बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पर दिख रही है। ये हमारी वो ट्रेंड लाइन है जिसको अभी तक सपोर्ट कर रहा था, रिस्पेक्ट कर रहा था, और यहाँ पर इसने इसको ब्रेक कर दिया है, 1, 2, 3 कैंडल्स के साथ ब्रेक किया। अब मैं यहाँ पर वेट करूंगा, अगर मैं ट्रेंड लाइन के ऊपर लूंगा ट्रेड तो मैं यहाँ वेट करूंगा कि इसको एक बार रीटेस्ट करे, रीटेस्ट यहाँ पर करे और फिर वापस ये नीचे आए, तो ये जो प्राइस एक्शन होगा ये बहुत अच्छा प्राइस एक्शन होगा। क्योंकि मार्केट का अभी सेंटीमेंट नेगेटिव है, यूएस फ्यूचर भी अभी वीक है, डाउनसाइड है, और एसजीएक्स निफ्टी भी जो है सो आज 300 पॉइंट के डाउनफॉल में था। बाकी कल देखते हैं कल उसकी क्या सिचुएशन होती है। आरएसआई भी देखिए बिल्कुल अपने 30 के ऊपर है पॉइंट पे, अगर ये उसके नीचे जाएगा तो डेफिनेटली एक सेलिंग प्रेशर आ सकता है। और सेलिंग प्रेशर कहाँ तक आएगा, मेरे हिसाब से यहाँ तक आना चाहिए, इस लेवल को ये टच करना चाहिए अगर ये बहुत ज़्यादा बेरिश हो गया तो, मतलब 35,000 का लेवल मेरे हिसाब से एक बार टच करना चाहिए अगर बहुत ज़्यादा बेरिश होगा तो मार्केट, नहीं तो अभी भी मार्केट एक रेंज में है। अगर हम देखें यहाँ पर, देखिए अभी मार्केट जो है सो बिल्कुल अभी भी जो है सो इसी रेंज में है जो हमारी जो रेंज यहाँ पर बनी थी गैप अप के बाद। तो कल कुछ भी हो सकता है, यहाँ से मार्केट पलट भी सकती है, इसको रीटेस्ट भी कर सकती है और माइट भी इसके नीचे भी आ सकती है। तो अकॉर्डिंगली अगर ये यहाँ पर रीटेस्ट करेगा मैं तो भी सेल करूंगा, पर मेरा जो व्यू है अभी तक का मार्केट का देख करके, इंटरनेशनल मार्केट का देख करके, सेंटीमेंट देख करके, वो बेरिश साइड है। एक बार ऑप्शन चेन देख लेते हैं, वैसे ऑप्शन चेन में डेटा देखते हैं कितना बना हुआ है। तो 35,600 के ऊपर अगर हम देखें तो पुट राइटर माइनस हो गए हैं और उसके ऊपर ऊपर चले जाएंगे 700, 800, 900 तक जो है सो सब माइनस है। कॉल राइटर यहाँ बहुत भयंकर भरे हुए हैं। तो अगर हम देखेंगे, मतलब ये है कि जितना ऊपर जाएगा मार्केट वो उतनी अपनी अच्छी एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी हमें देगा, और जितना ये डाउन साइड जाएगा तो 500 तक में अगर हम देखते हैं, 500 तक में 14,000, यहाँ पर 29,000, ओके। तो मतलब 500 के नीचे जाएगा तो पुट राइटर थोड़े से हावी है, कॉल राइटर बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं है। तो 500 तक का टारगेट बड़े आराम से मिल सकता है,
पॉइंट वही है कि जितने ज्यादा ऊपर जाएगा तो सेल ऑन राइज होगा कल का जो सेंटिमेंट होगा, क्योंकि बेरिश सेंटिमेंट है, तो मैं कल बेरिश ट्रेड ढूंढने की कोशिश करूंगा। तो मुझे दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को कुछ इसमें सीखने को मिला होगा, कुछ वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन आपको मिली होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू।